कल देश भर में दिवाली मनाई गई, लेकिन हरियाणा के दिवाली का एक जश्न सुर्खियों में है। दरअसल सिरसा में चौटाला परिवार की ओर से विधायक आदित्य चौटाला और अर्जुन चौटाला के स्वागत में अभिनंदन समारोह रखा गया था, और इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे पाकिस्तान के सांसद अब्दुल रहमान खान, जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। इस समारोह की कुछ तस्वीरें अभय चौटाला ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है, और उसके कैप्शन में लिखा है, कल देर शाम हमारे पैतृक गांव चौटाला की धरती पर अजीज आदित्य देवीलाल जी और अर्जुन सिंह चौटाला के स्वागत में रखे गए अभिनंदन समारोह के लिए सभी ग्रामीणों एवं इस विशेष अवसर पर पाकिस्तान से मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हमारे पारिवारिक सदस्य एवं सांसद अब्दुल रहमान साहब का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं। उनकी उपस्थिति से आज का ये आयोजन और भी विशेष बन गया है। सभी ग्रामीणों और अतिथियों का आभार। वही पहली बार विधायक बने अर्जुन चौटाला ने सोशल मीडिया पर लिखा, कल देर शाम हमारे पैतृक गांव चौटाला की धरती पर आयोजित अभिनंदन समारोह में सभी ग्रामीणों और मुख्य अतिथि के रूप में पाकिस्तान से पधारे हमारे पारिवारिक सदस्य एवं सांसद अब्दुल रहमान साहब का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं। आप सब ने जो प्यार, विश्वास और आशीर्वाद हमें दिया है, उसके लिए हम तहे दिल से आभारी हैं। ये वादा करते हैं कि आपकी उम्मीदों पर सदैव खड़े उतरेंगे और प्रदेश के हक हकूक की लड़ाई के लिए हमेशा आगे रहेंगे। आप सबके साथ और आशीर्वाद से हमारा संकल्प और मजबूत होगा। आपको बता दें कि इस जनसभा में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, पूर्व विधायक अभय चौटाला, इनेलो के मौजूदा दोनों विधायक आदित्य चौटाला और अर्जुन चौटाला के साथ साथ कर्ण चौटाला और पवन बेनीवाल भी मौजूद थे। इस जनसभा के मंच से पाक सांसद अब्दुल रहमान ने भाषण भी दिया और कहा कि आपने जो मोहब्बत दी उसे आखिरी सांस तक याद रखूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।